इस रोहित सरदाना की मौत इबरत है उन लोगों के लिए जो अब भी लोगों में फसाद फैलाने पर तुले हुए हैं। इन न्यूज़ एंकरों को सोचना चाहिए कि जब दुनिया से जाएंगे तो क्या अपने साथ लेके जाएंगे। रोहित सरदाना ने बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाई है मुसलमानों की, इख्तलाफ डालने की कोशिश की है, दिलों में नफ़रत फैलाई है हिंदू मुसलमानों के, और आज वो अपने अंजाम को पहुँच गए। रोहित सरदाना ने गुस्ताखी की हज़रत सैयदतना आयशा सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सैयदतना फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की, और देखो इसको किस कदर, मतलब यह है कि दुनिया से सब कुछ छोड़ कर जाना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मुल्क फ़ानी में फ़ना हर शय को है, सुन लगा कर कान, आखिर मौत है। इस जैसे एंकरों को आज भी समझ जाना चाहिए और ईमानदारी के साथ अपनी पत्रकारिता करनी चाहिए, वरना अपने अंजाम को पहुंचेंगे और लोग बजाय इनकी मौत पर अफसोस करने के इनका मजाक उड़ाएंगे और इनको गालियां देंगे। जैसा कि आज भी सोशल मीडिया पर कई वीडियोस ऐसी हैं जिसमें रोहित सरदाना को गालियां दी जा रही हैं, उसको बुरा कहा जा रहा है। तो वैसे मैं कोई गाली तो नहीं दे रहा हूँ इसको, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अंजाम बहुत बुरा होने वाला है ऐसे लोगों का जो तौहीन करते हैं अल्लाह के महबूब बंदों की। इंशाल्लाह जल्द ही नरसिंहानंद और उस जैसी खबीस सोच रखने वालों को भी अंजाम तक ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ है ना, बहुत सख्त है, वो पहुंचा देगी। इन्ना बदशा रब्बिकल शदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। संभल जाना चाहिए, और मैं अपने भाइयों से, मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि अपने रब पर भरोसा रखें, वो बेहतर इंतकाम लेने वाला है। जी दुनिया।